हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सबको पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप रायपुर स्टेशन से कैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी की ओर आ सकते हैं, और कुछ ओवरव्यू भी आपको दिखाया था फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में और कलिंगा यूनिवर्सिटी में क्या क्या मौजूद है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा कि कलिंगा यूनिवर्सिटी के आसपास में क्या क्या मौजूद है, और सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा, और कलिंगा में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा कौन कौन सा ब्लॉक है, हॉस्टल वगैरह भी अच्छे से दिखाऊंगा इस बार। इसके अलावा आपको मिनी मार्केट और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये कलिंगा के आसपास का एरिया है, और ये एरिया मतलब बिल्कुल खाली है पूरी तरह से। इसके आसपास में जस्ट 1-2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास एक छोटा सा तालाब है, और जिसको डेकोरेट किया गया है उसके किनारे किनारे नारियल का पेड़ लगा करके, और अच्छा एकदम से मतलब एकदम से अच्छा व्यू आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में। और ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नेशनल हॉस्टल, जिसे ब्रह्मपुत्र हॉस्टल बोलते हैं, और ये तालाब का एरिया। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लॉक सी बिल्डिंग है, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी और साइंस के जो भी कोर्सेज हैं वो सब क्लासेज होते हैं यहाँ पे। और ये ब्लॉक ई के बिल्डिंग के सामने आप पार्किंग का एरिया देख सकते हैं, इधर जो भी स्टाफ हैं उनकी गाड़ी वगैरह खड़ा हो सकता है। और इसके अलावा ब्लॉक ई बिल्डिंग में कॉमर्स का क्लासेज होते हैं, और जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं मास्टर्स और बैचलर के, उनका क्लासेज यहाँ पर लगता है। और ये पार्किंग का एरिया आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग, और इसके सामने का डेकोरेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही हरा भरा एरिया, मतलब कम्प्लीटली डेकोरेटेड है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हिरन वगैरह और दूसरे डेकोरेटिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। सो अभी आपको लेके चलते हैं कैंटीन की ओर, और दिखाते हैं कैंटीन के एरिया में क्या क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं ये कैंटीन का एरिया है, यहाँ पे आप बैठ करके
लंच वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैंटीन में भी लंच कर सकते हैं, और कैंटीन में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मिलता है वहाँ पे, वो दिखाते हैं आपको। सो ये आप देख सकते हैं, दरवाजे से एंट्री हो गई कैंटीन के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कैंटीन का एरिया, बहुत ही अच्छी जगह है। आप इधर लंच वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, या फिर पैकेट फूड्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये वाला आप एरिया देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड है। यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह जो भी स्टूडेंट है वो मनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में ऐसे मोमेंट को देख करके। और ये सारा मेस का एरिया है, और मेस के ऊपर जो है जूस कॉर्नर वगैरह, स्टेशनरी और दूसरे फूड बूथ वगैरह आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे जो भी आप अगर कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आपको मिल जाता है। तो ये हम लोग यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से से निकल चुके हैं, और अभी जाएंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हॉस्टल का व्यू। तो अभी आप देख सकते हैं ये कलिंगा यूनिवर्सिटी का ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, तकरीबन 400 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और अभी पूरा का पूरा हॉस्टल भरा हुआ है। हॉस्टल के फोर्थ फ्लोर से आप ये व्यू देख सकते हैं बाहर का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और आप हॉस्टल के फोर्थ फ्लोर से ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड देख सकते हैं, हालांकि क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके ही आपको अच्छे से दिखाएंगे, बट आप यहां से देख सकते हैं कि सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, और यहाँ पे जो भी सेमिनार वगैरह या फिर गेस्ट लेक्चर वगैरह जो कंडक्ट होता है वो यहाँ पे होता है। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल हॉस्टल की ओर, और वहाँ पे देखेंगे क्या व्यू वगैरह है। We'll be right back.
और अब फाइनली हम लोग चलते हैं अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की ओर। और आप देख सकते हैं ये फैकल्टी ऑफ फार्मेसी बिल्डिंग है जहाँ पे सारे फार्मेसी के जो भी लैब्स वगैरह हैं और क्लासेज होते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी के साथ साथ मास्टर्स फार्मेसी भी कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेडिसिंस के जो डोसेस फॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिंस को डिस्प्ले किया गया है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर पिल्स वगैरह हो गया, या दूसरे डोसेस फॉर्म जैसे कि सस्पेंशन, इमल्सन और इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में जो भी मेडिसिंस अवेलेबल होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करके यहाँ पर रखी गई है देखने के लिए। और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट में मौजूद योगा रूम है जहाँ पे योगा प्रैक्टिस वगैरह होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, मतलब कम्प्लीटली डेकोरेटेड और अच्छे से योगा मैट वगैरह लगा हुआ है इधर। और योगा के कुछ चार्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब रूम है ये। साथ ही ये आप फार्मेसी के कुछ लैब्स देख सकते हैं जहाँ पे लैब प्रैक्टिस होता है, जो भी लैब वर्क वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल्स होने होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सारा कुछ। और अभी आप देख सकते हैं ये डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू जो भी क्लासेज होते हैं, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वो सब कंडक्ट होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड दोनों मौजूद है और प्रोजेक्टर, साथ में डिजिटल मोड में सारा कुछ अवेलेबल है। और ये फार्मेसी बिल्डिंग में मौजूद सेंट्रल कंप्यूटर लैब है और इसके साथ ही इधर आप देख सकते हैं सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लैब भी है जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। जो भी इसके अलावा जो भी रिसर्च वगैरह होता है वो यहाँ पे होता है और मास्टर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। इसके साथ ही इस फ्लोर में बहुत सारे लैब जैसे कि इनक्यूबेशन रूम और दूसरे रूम वगैरह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप पूरे बिल्डिंग में जो है कि पोस्टर्स वगैरह देख सकते हैं जो कि बहुत सारे फैकल्टीज मेंबर और कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा भी बनाया गया और पोस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान जो पोस्टर्स यूज किया गया था उसको यहाँ पे लगाया गया है। सो फ्रेंड्स मैं अभी आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लॉ डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग और इसके अलावा साइंस, कॉमर्स, जो भी डिपार्टमेंट है तो उनके लिए अलग अलग एरिया जो है वो बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं ये फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए अलग एरिया बनाया गया है। इधर फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बुक्स रिक्वायर होते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पे आप चाहें तो आराम से बैठ कर के बुक्स पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करना चाहें तो वो भी इधर अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं आप।
सो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे बास्केटबॉल गेम होता है। और इसके अलावा अब आपको लेके चलता हूँ मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर जहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी आप देख सकते हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा तकरीबन 600 या 700 मीटर दूर है, तो इधर अभी हम लोग जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा कलिंगा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा क्रिकेट वगैरह, खो खो और दूसरे गेम्स वगैरह जो है वो होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेट लगाया गया है ताकि बैठ करके स्पोर्ट्स को एंजॉय किया जा सके और धूप वगैरह ना लगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जो है कि बनाया गया है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए जो भी प्रैक्टिस होता है वो कर सकते हैं यहाँ पे आप। सो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो भी स्टूडेंट किसी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो वो आ करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ें मौजूद ही हैं तो डेफ़िनेटली इसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर आप रुचि रखते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में तो डेफ़िनेटली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और खेलना चाहिए। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये मिनी मार्केट का एरिया है जहाँ पे आपको बैंक का एटीएम दिख जाएगा। आप अगर पैसे निकालने हैं तो वहाँ से निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपको अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो फूड बूथ वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे। साथ ही अगर आपको स्टेशनरी मटेरियल चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेडिसिन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है मिनी मार्केट में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।